अस्सलामुअलैकुम, कैसे हो आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गए, मैं भी ठीक हूँ। तो मैंने मीशो से मंगाए हैं किचन कंटेनर्स, तो चलो अनबॉक्सिंग करते हैं। तो सबसे पहला छोटा वाला बॉक्स मैंने अनबॉक्सिंग किया है। तो मैंने मंगाया था बटर रखने वाला कंटेनर, जो कि बहुत 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 पसंद आया मुझे, और इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी, आप लोग देख सकते हो। एंड मुझे बहुत पसंद आया, बहुत अच्छा लगा। वैसे तो ये था 161 रुपीज़ का, बट मुझे ये सिर्फ और सिर्फ मिला 142 रुपीज़ में, एंड मुझे बहुत पसंद आया। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। तो अब दूसरा पार्सल अनबॉक्सिंग करते हैं। सबसे बड़ा वाला जो बॉक्स है उसको अनबॉक्सिंग करते हैं। तो मैंने मंगाया था किचन के लिए कंटेनर्स, जो कि नमक, शक्कर, दाल वगैरह रखने के लिए। तो ये मुझे बहुत फैंसी लग रहा था। तो ये पैक ऑफ 4 कंटेनर्स है, इसमें 4 डब्बे हैं बड़े वाले, एंड मैंने इसमें ही सेम स्मॉल साइज़ के भी मंगाए। एंड इसकी क्वालिटी वाव, बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, मैं क्या ही बोलूँ। मुझे बहुत पसंद आया, आप लोग देख ही सकते हो, एंड क्वालिटी वाज वेरी गुड। और सारे डब्बे मैंने चेक करके ले लिए कि कोई एक आधा ख़राब ना निकल जाए, टूटा फूटा ना हो, बट सारे ही अच्छे थे। एंड इसी में मैंने छोटा साइज़ भी मंगाई है, देख सकते हो आप लोग, ये भी पैक ऑफ 4 है, एंड क्वालिटी वाज वेरी गुड। ये एक ही डीलर की तरफ से मैंने मंगाया था, तो ये मुझे छोटा वाला था, मतलब दोनों जन का मुझे पड़ रहा था 650 के ऊपर ही जा रहा था, बट मुझे ये 50 रुपीज़ इस पर भी ऑफ मिला, एंड मुझे ये बहुत पसंद आया, बहुत डिसेंट, एंड क्वालिटी वाज वेरी गुड। आप लोग भी मंगा सकते हो, कमेंट करके बताना आप लोगों को कैसा लगा। तो मैंने फटाफट से सारे बॉक्स खोल के देख लिए, देख सकते हो आप लोग 689 रुपीज़ बिल हो रहा था, बट मुझे ये 650 करीब करीब मिला था, 50 रुपीज़ ऑफ उस पर भी मिला था। देन फिर उसके बाद हम लोग ओपन करेंगे थर्ड पार्सल, जो कि ये भी नमक, मिर्ची, दाल वगैरह रखने के लिए, और स्नैक्स भी रख सकते हो, जो भी हमारी मर्जी है। तो ये वाले कंटेनर का जो ढक्कन है वो डायरेक्ट वाला था, एंड ये 316 रुपीज़ का था, बट मुझे ये सिर्फ और सिर्फ 296 रुपीज़ में मिला, एंड बहुत अच्छा है, ये भी बहुत अच्छा और मस्त लग रहा था, इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी, बहुत मस्त दिख रहा था। आप लोग भी मंगा सकते हो, मुझे तो बहुत पसंद आया, आप लोग भी कमेंट करना कि कैसा लग रहा है। हमारा फोर्थ बॉक्स खोलेंगे, अनबॉक्सिंग करेंगे। जो मैंने पहले वाले कंटेनर्स दिखाए थे वो एक ही डीलर के थे, तो एक ही बॉक्स में आया था, जो सबसे बड़ा वाला बॉक्स था, इसीलिए मैं फोर्थ बोल रही हूँ। वैसे तो मैंने 5 तरीके के कंटेनर्स मंगाए हैं, तो देख सकते हो आप लोग, जो मैंने इससे पहले दिखाया, जो बड़े साइज़ में आप लोगों को कंटेनर दिखाया, उसी में मैंने छोटे वाले भी मंगाए, एंड मैंने सारे निकाल के फटाफट से चेक कर लिए, एंड ये तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी थी, उससे भी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के ये छोटे वाले थे। एंड मुझे ये 251 के थे, बट मुझे ये 331 रुपीज़ में मिले, और क्या ही चाहिए। तो मुझे इतना अच्छा लगा ना मंगाने के बाद, क्योंकि मीशो से कभी कभी बहुत से पार्सल ख़राब भी आते हैं, बट वाह, ये बार मेरा पार्सल इतना अच्छा आया कि मेरा दिल खुश हो गया। आप लोग भी मंगा सकते हो, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरा किचन कंटेनर का हॉल कैसा लगा आप लोगों को। तो कैसा लगा आप लोगों को मेरा मीशो का किचन कंटेनर्स का हॉल? मुझे तो बहुत पसंद आया, 1300 रुपीज़ में मुझे ये सारी चीज़ें मिली है, एंड मैं तो बहुत खुश हो गई। तो आप लोग भी मंगाना, वीडियो अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना, कमेंट भी करना, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।